सिंह मारदीना जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रही हैं कि बीजेपी दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति राज लगाना चाहती है। आतिशी मारदीना जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम बिल्कुल ऐसा नहीं चाहते। बीजेपी चुनी हुई सरकार का सम्मान करती है, दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को मैंडेट दिया है और आम आदमी पार्टी को सरकार चलानी चाहिए। लेकिन आम आदमी पार्टी का मुखिया अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि किसी तरीके राष्ट्रपति राज लग जाए, क्योंकि वो मुख्यमंत्री जेल में है, वो जेल में मुख्यमंत्री रहना चाहते हैं, जो कि असंभव है। इसलिए जब से संजय सिंह जी जेल से बाहर से आए हैं, तो अरविंद केजरीवाल जी का जो अपनी धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाने का सपना था, वो चूर चूर हो गया है। संजय सिंह जी कह रहे हैं कि मैं सुनीता जी को मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा, सर सीनियर सेकंड मोस्ट मैं हूं, मैं खुद बनूंगा। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं मैं संजय सिंह जी को बनने नहीं दूंगा। आतिशी मारदीना जी का और सौरभ भारद्वाज जी का नाम तो आपके सामने ही ले दिया था अरविंद केजरीवाल जी ने शराब को डाले में, ताकि कहीं आप मुख्यमंत्री बनने का क्लेम ना करें। ऐसे में खुद अरविंद केजरीवाल जी चाह रहे हैं कि सरकार खड्डे में जाए, कोई और मुख्यमंत्री ना बन जाए, संजय सिंह बिल्कुल ना बन जाए। इसलिए अरविंद केजरीवाल चाह रहे हैं कि किसी तरीके संवैधानिक संकट खड़ा हो जाए और दिल्ली में राष्ट्रपति राय लग जाए, मेरी कुर्सी पे आकर बैठकर कोई और ना बैठ जाए, ताकि कल को मैं उसको हटा ना पाऊं और मैं घर जेल में बैठा रह जाऊं। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी चाह रहे हैं दिल्ली में राष्ट्रपति राय लागू हो जाए।